गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट. टेक आउट पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 6, शेप्स एंड पैटर्न. तो आज का ये टॉपिक है शेप्स एंड पैटर्न. शेप्स यानी कि कोई भी चीज़ का जो शेप होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ये एच डब्ल्यू तो आप कर चुके हैं, तो आज शेप्स के बारे में. वैसे शेप्स इसमें 4 टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल. तो नोटबुक में इस तरीके से वर्क करना है. ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स. 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये होती है साइड. तो ये कितनी है? हाउ मेनी साइड्स? 1, 2 और 3 साइड्स. ठीक है, अब है एंड 3 कॉर्नर. कॉर्नर क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना, वो होते हैं कॉर्नर. तो इसके कितने कॉर्नर है? 1, 2 एंड 3 कॉर्नर है. ठीक है, तो ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. ओके, और इसको इस तरीके से लिखना है आपको, और ये डायग्राम बनाना है. आप डायग्राम कैसे बनाओगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक 1 डॉट लगाया. ठीक है, यहाँ पे एक 1 डॉट लगा दिया, फिर इसके जस्ट नीचे आप कितनी बॉक्स छोड़ोगे? 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स छोड़ के फिर डॉट लगा दोगे. ओके, फिर क्या करोगे? 5 ब्लॉक छोड़े, फिर यहाँ से 3 लिए और यहाँ से भी मैंने 3 लिए. ये देखो, 1, 2, 3 पे मैंने डॉट लगाया, इधर से भी 1, 2, 3 और डॉट लगा दिया. फिर इस डायग्राम को, ट्रायंगल को आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, और फिर 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर लिखना है. ओके, अब आता है, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल, व्हाट इज़ अ रेक्टेंगल? अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. कैसे? ये देखो, 4 साइड्स कैसे? देखो, 1 साइड, 2 साइड्स, 3 साइड एंड 4 साइड्स. ठीक है, और 4 कॉर्नर, जिसमें 4 कॉर्नर और 4 साइड होती है. ये देखो, 1 कॉर्नर, ये वाला डॉट समझ, ये 1 कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर और ये 4 कॉर्नर. ठीक है, तो ये हो गए 4 कॉर्नर एंड 4 साइड. आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे इसको? सबसे पहले 1 डॉट लगाया. ठीक है, फिर क्या करोगे? 1, 2, 3, 4 4 ब्लॉक आपने काउंट किए और नीचे एक और डॉट लगाना है. ठीक है, फिर क्या करोगे आप? यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बॉक्स के बाद में आपको यहाँ ऊपर डॉट लगाना है. फिर यहाँ से भी 8 बॉक्स के बाद में डॉट लगाया और फिर लाइंस ड्रॉ करनी है. तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, फिर उस पर आपको साइड्स लिखनी. कितनी साइड है? 4 है. तो ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड और 4 कॉर्नर, तो 1, 2, 3, 4 कॉर्नर आपको राइट लिखना है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज़ योर नोटबुक वर्क, शुड बी नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक. ओके, एंड दिस इज़ योर बुक वर्क, ये आपको बुक के अंदर करना है. और इसमें आ जाता है पुट राइट ऑन द ट्रायंगल. अब इसमें से ट्रायंगल कौन सा है? ये है ट्रायंगल, ये है सर्कल और ये है रेक्टेंगल. तो ट्रायंगल को टिक करना है, ये लो ट्रायंगल को टिक करना है. फिर आता है नेक्स्ट, पुट अ राइट ऑन द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मैंने क्या बताया था? 4 कॉर्नर एंड 4 साइड. और तो ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसको हमें टिक करना है. ओके, दिस इज़ योर बुक वर्क. थैंक यू.